गेमर्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्रेडिट स्कोर का पूरा सिस्टम समझने वाले हैं। तो क्रेडिट स्कोर में कहां से आपको दिखेगा, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चले जाओ प्रोफाइल के ऊपर, वहां से जाना है बैटल फील्ड में। बैटल फील्ड में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रेडिट स्कोर, वहां पे चले जाओ। यहां पे देख सकते हो कि अभी मेरा 110 है। अभी बात कर लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर किस तरह से चलता है, किस तरह से इसका सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोई भी नया प्लेयर गेम स्टार्ट करता है तब उसको 100 क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। फिर वो इफेक्ट करता है कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरह से वो गेम खेल रहा है उसके ऊपर से। अभी बात कर रहे थे कि आपका क्रेडिट स्कोर कम किस तरह से हो जाता है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जब आप कोई गेम आपका चल रहा होता है और उसको बीच में छोड़ के चले जाते हो या फिर बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हो गेम में, तो आपके 5 पॉइंट काटे जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, 8 से 10 पॉइंट आपके तब माइनस होते हैं जब आप वही चीज़ पहले पॉइंट में जो थी गेम को छोड़ के चले जाते हो या फिर बहुत ही खराब प्रदर्शन करना इसको दोहराते हो। पहली गेम में तो आपने ये किया, फिर दूसरी गेम में भी यही कर रहे हो दिन में, तो 8 से 10 पॉइंट आपके माइनस हो सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, आपका एक पॉइंट जब कटता है, जब आप मैच मेकिंग कर लिया आपने लेकिन आप कन्फर्म नहीं कर रहे हो तो आपका एक पॉइंट काटा जाता है। आपके 2 से 3 पॉइंट काटे जाते हैं जब आपने खराब प्रदर्शन किया होगा और आपकी रिपोर्ट की गई और रिपोर्ट सक्सेसफुली कन्फर्म होती है तो 2 से 3 पॉइंट काटे जाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट ज़्यादा प्लेयर ने कर ली तो 3 से 7 पॉइंट काटे जाते हैं। क्रेडिट स्कोर माइनस क्यों होता है, कट क्यों होता है, उसके बारे में हमने जान लिया। अब बात ये करते हैं कि आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है, आपको क्रेडिट स्कोर गेन करना है तो वो किस तरह से कर पाओगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको लॉगिन करना है। एवरीडे जब आप लॉगिन करते हो तब आपको एक पॉइंट मिलता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको मैच खेलना है। आप जब मैच खेलोगे, आप हारो या जीतो कोई मैटर नहीं करता है, बस आप जैसे ही मैच आप ख़त्म करोगे आपको एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा प्लस। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वो ये है कि जब आपका क्रेडिट स्कोर 100 हो जाएगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको प्लस एक करने के लिए 7 मैच खेलनी पड़ेगी। जब आपका क्रेडिट स्कोर 100 हो गया तो उसके बाद 7 मैच खेलोगे तब आपको एक पॉइंट मिलेगा, ना कि एक मैच खेलने पर। तो आपको क्रेडिट स्कोर गेन करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे उसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि मोबाइल लेजेंड्स या फिर किसी भी गेम के लिए क्रेडिट स्कोर जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। क्रेडिट स्कोर के ऊपर से ही आपको कुछ रिवार्ड और पनिशमेंट होते हैं, उसके बारे में हम समझ लेंगे। जब आपका क्रेडिट स्कोर 110 यानी कि मैक्स होगा तब आपको मोबाइल लेजेंड्स में, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जब आप मैच खेलते हो तो थोड़े से बैटल पॉइंट कुछ मिलते हैं रिवॉर्ड में, उसका एक लिमिट होता है हफ्ते का कि आप 850 तक ले सकते हो जब आपका क्रेडिट स्कोर 110 हो तो। और जो आपका 110 क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कुछ बेनिफिट होंगे, वो आप देख सकते हो कि जब आपका क्रेडिट स्कोर 110 होगा तो आपको ये स्टिकर है वो फ्री में यूज़ करने को मिलेगा, और आप जो मैच खत्म हो गए तो आपको नॉर्मली जितने पैसे मिलते होंगे, बैटल पॉइंट मिलते होंगे, उसे 10% ज़्यादा बैटल पॉइंट मिलेंगे। क्रेडिट स्कोर जब आपका 100 से लेके 109 के बीच में आ जाएगा ना, तब आपको वीकली जो बैटल पॉइंट मिलते हैं उसकी लिमिट कम होकर हो जाएगी 8000, और जो बढ़ने की स्पीड होती है बैटल पॉइंट वो स्पीड कम होकर हो जाएगी 5%। उससे जब नीचे आ जाओगे आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा 90 से लेकर 99 तक, तब आपकी लिमिट हो जाएगी 7500, और जो बढ़ने की स्पीड होती है उसमें कोई परसेंटेज का बढ़ावा नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्पीड से ही बढ़ेंगे। जब उससे भी नीचे आ जाओगे 60 से लेकर 89 तक, तब आपकी लिमिट कम होकर हो जाएगी 6000। जब उससे भी नीचे आ जाओगे 59 या फिर उससे कम आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा तब आपकी लिमिट हो जाएगी 4500। और जब 59 या फिर उससे कम क्रेडिट स्कोर आपका रहेगा तब आपको एक और नुकसान होने वाला है कि आप क्लासिक और रैंक मैच नहीं खेल पाओगे। आप खेल पाओगे तो सिर्फ वर्सेस AI और कस्टम मोड सी। आपको ये पनिशमेंट मिल सकती है इस टाइम पे। क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड मेरे पास एक और बात है, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आपके पास। अभी जो नया अपडेट आया है ना, उसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि आप जब चैट में गाली गलौज बहुत करते हो ना, जब गेम चल रहा होता है तब एक दूसरे को चैट में गाली देने में पड़े रहते हो ज़्यादातर लोग, लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि भाई तू ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, तो इसमें फालतू टाइम पास करते रहते हो ना, जो गाली गलौज करता रहता है ना, उनके लिए बहुत सही इस बार लाया गया है अपडेट में कि जो ऐसा करता है उसको 2 घंटे के लिए म्यूट तो कर दिया जाता है लेकिन उसका 2 क्रेडिट स्कोर माइनस भी किया जाता है। और यही गलती आप दोबारा दोहराते रहोगे तो ज़्यादा क्रेडिट स्कोर माइनस किए जाते हैं। आप जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 2 क्रेडिट स्कोर आपके माइनस किए जाएंगे जब आप गाली गलौज करोगे इन गेम में या फिर चैट में, तब आपके इस तरह से स्कोर माइनस किए जाएंगे। क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब बारी आती है आपकी। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है यार, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार।
जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर दो और जितने भी अपने हिंदी यूजर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। आपको इसके बारे में पहले से पता था तो सही जा रहे हो यार, कंटिन्यू करते रहो गेम में। जो भी न्यू लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। बिगनर से लेके एडवांस तक की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका एक और नया वीडियो ये है। और आप कुछ भी जानना चाहते हो, इसके बारे में सीखना चाहते हो तो हमें बता सकते हो, कमेंट कर दो यार। आपको जो भी डाउट है वो पूरे के पूरा मैं ट्राई करूंगा कि आप जो कमेंट कर रहे हो उसका एक घंटे के अंदर मैं जवाब दे दूं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। टाटा बाय बाय।